हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो दोस्तों, आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये है सर्कल, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। तो चलिए अब हम इसका सेंटर यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। चलिए मैंने ओ मान लिया, ठीक है। इसका सेंटर ओ है। अब यहाँ से अगर हम इसे ए मान लें, ठीक है, इसे बी मान लें, तो ये अगर हम इसे इस तरह से मिलाते हैं सेंटर से, तो ओ और ए ये क्या हो गया? हमारा रेडियस हो गया। इसी तरह ओ बी रेडियस, यहाँ भी हम चलिए इसे हम मान लेते हैं सी। तो इसे क्या कहते हैं? रेडियस, R A D I U S, रेडियस। और हिंदी में से कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। ये हिंदी में हो गया त्रिज्या। तो रेडियस हमारे अनगिनत हो सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। इस तरह से जितने आप खींचते जाएंगे वो हमारे रेडियस, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से खींच रहे यहाँ से यहीं तक, पूरा नहीं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेडियस कहलाएंगे, यानी कि त्रिज्या। इसी तरह असंख्य हमारी त्रिज्या असंख्य रेडियस हो सकते हैं, ठीक है। और इन सभी की लंबाई सेम होती है, कोई भी छोटा या अधिक नहीं होता है, सभी की लंबाई बराबर होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, सारे 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम कुछ भी मान सकते हैं, ई F G H I। चलिए ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए, अब ये हमारा जो रेडियस है O और C, अब यहाँ भी तो हमारा हो जाएगा एक रेडियस, ये चलिए इसे J, ये हमारा हो गया एक रेडियस O और J, O और C ये रेडियस। इसका मतलब ये पूरी जो लंबाई हुई ये हमारा क्या कहलाया? डायमीटर। तो हमारा सी जे या जे सी कुछ भी कह ले हुआ, वो क्या कहलाया? डायमीटर कहला गया। और यही सर्कल में यही जो लंबाई होती है, डायमीटर की लंबाई वो सबसे ज्यादा होती है। अब ये भी है बात कि डायमीटर की भी लंबाई हर सेम होती है हर जगह। जैसे ये देखिए, इधर से हमने जब इधर मिलाया तो ये डायमीटर बन गया, इस डायरेक्शन से यहाँ से ये बन गया, फिर यहाँ से हमने जब इसे मिलाया तो ये भी हमारा डायमीटर बन गया ए एच, ठीक है। ये डायमीटर भी हमारे अनगिनत होते हैं, जैसे हमारा रेडियस अनगिनत होता है सर्कल में, असंख्य होता है, पर सबकी लंबाई सेम होती है, उसी तरह डायमीटर भी हमारा सर्कल में असंख्य होता है और उसकी लंबाई भी सेम होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि डायमीटर रेडियस की दुगनी लंबाई है, ठीक है। हुआ ना दुगनी लंबाई, ये रेडियस हुआ ये, तो इसकी दुगनी लंबाई हुआ ना, ये तो पूरा आ गया हमारा डायमीटर आ गया। जेसी ये बी और एफ भी डायमीटर हो गया, जे सी ए डायमीटर हो गया, ए एच डायमीटर हो गया, ठीक है। तो हम किसी भी एक चीज को, जैसे मान लिया बी एफ को हमने लिख दिया, बस बताने के लिए मैंने लिख दे रही हूँ, ओके, डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू रेडियस। बताया ना कि डायमीटर जो क्या होती है वो रेडियस की दुगनी होती है, दुगनी होती है तभी तो यहां तक आ गया, ये पूरी लंबाई हो गई। और डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? व्यास, ठीक है। चलिए हमने रेडियस भी पढ़ लिया और डायमीटर भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं कोर्ड की। कोर्ड क्या कहते हैं? कोर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कोर्ड कहीं से भी आप, जैसे ये देखिए, ये कोर्ड हो गया, ओके। इसे कोर्ड कहते हैं, ठीक है। कोई लाइन, तो कोई ऐसी लाइन जिसकी दोनों जो बिंदु हैं वो सर्कल पर होते हैं वो कोर्ड कहलाते हैं, ठीक है। इसे यहां मैंने दे दिया सेंटर ओ। अब कोर्ड जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से ही गुजरे, वो कहीं से भी गुजर सकता है, वो इधर से गुजरा, इधर से गुजरा, कहीं से भी वो
गुजरता है, लेकिन जब सेंटर से होकर गुजरे तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। ओके, ये सेंटर से जब गुजरे तो इसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। ओके, कोड ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, पर जब वो सेंटर से होकर गुजरे तो वो डायमीटर कहलाता है। तो अगर हम ये सोचें कि कोड की लंबाई क्या सेम होती हर जगह, तो नहीं, कोड की लंबाई सेम नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, अगर ये रहा कोड, यहाँ पर सबसे छोटी है ये, इसके बाद ये बड़ी हो गई, इसके बाद ये इससे भी बड़ी हो गई, और यहाँ ज़्यादा बड़ी हो गई, मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए ये कम होता जा रहा है, फिर यहाँ भी ये कम होता जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी ये कम हो गया, तो ये नीचे भी आता जाएगा तो ये घटता जाएगा, और ऊपर से भी, ऊपर से जब आता जाएगा तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर मैक्सिमम इसका लेंथ होगा, जो कि हमारा डायमीटर कहलाता है। तो डायमीटर क्या है, एक कोड है जो कि सेंटर से जब होकर गुजरता है तो उसे डायमीटर कहते हैं। अब जैसे कि ये है सर्कल, और ये हमारा जो बीच में डायमीटर आ गया, ये चलिए इसे हम ए बी और सी मान लेते हैं, और ये रहा टी। तो ये जो ए बी और सी है, ये हमारा सेमी सर्कल कहलाया, अर्धवृत्त, ठीक है, ए बी और सी सेमी सर्कल कहलाया, और ए डी बी भी हमारा सेमी सर्कल कहलाया, और ये पूरा हमारा जो है वो सर्कल कहलाया। ओके, अब आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, ये है देखिए, ये सेमी सर्कल है, फिर हम इसे इस तरह से कर देंगे तो ये पूरा सर्कल हमारा बन जाएगा। ओके, अब आर्क क्या होता है, आर्क तो एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, कोई भी पार्ट जो है वो हमारा आर्क कहलाता है। ये हमने थोड़ा सा इसे डार्क कर दिया आपको दिखाने के लिए। ओके, यहाँ लिख दिया बी सी डी, और ये हो गया हमारा ए। तो यदि जो आग का जो सर्कल है, आग का सर्कल अगर ग्रेटर देन सेमी सर्कल होगा, ठीक है, सेमी सर्कल से हमारा ग्रेटर देन जब होगा आर्क, तो उसे हम कहेंगे मेजर आर्क। ओके, और जब हमारा सेमी सर्कल से, सेमी सर्कल समझ रहे हैं ना, अभी मैंने बताया था सेमी सर्कल ये हमारा हिस्सा हो गया ये वाला, तो जब हमारा सर्कल का आर्क अगर ग्रेटर होगा सेमी सर्कल से, तो वो हमारा मेजर आर्क कहलाएगा, और जब हमारा सेमी सर्कल से जब लेस होगा तो वो हमारा माइनर आर्क कहलाएगा। जैसे कि ये बी डी सी, ठीक है, बी डी सी हमारा बस इतना ही है, जो कि सेमी सर्कल से कम है, दिख रहा होगा सेमी सर्कल से ये कम है, तो बी डी सी हमारा माइनर आर्क कहलाएगा। और वही बी ए सी जो है वो हमारा सेमी सर्कल से ग्रेटर देन है, सेमी सर्कल से बड़ा है, तो बी ए सी इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल, सो बी ए सी इज कॉल्ड मेजर आर्क। ओके, एंड बी डी सी इज लेस देन सेमी सर्कल, तो सो बी डी सी इज कॉल्ड माइनर आर्क। ओके, समझ में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं बी डी सी इज द माइनर आर्क, यहाँ बी हमारा जो है वो छुप गया है, वो बी डी सी है, और तो बी डी सी इज द माइनर आर्क, एंड बी ए सी, बी भी हमारा यहाँ कट गया है, सॉरी, बी ए सी इज द मेजर आर्क, यहाँ मैंने लिख दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझा होगा आपने। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।